सुपर सॉफ्ट आज मैं आपको बन बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दूध का और ना ही अवन का, तो आए बिना टाइम को वेस्ट किए ये मज़ेदार सी सुपर सॉफ्ट बन्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी मैंने बन्स बनाने के लिए सबसे पहले लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, और ये नीम गर्म पानी था। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है, कोई भी दानेदार चीनी आप ले सकते हैं। चीनी को हमने पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद ये मैंने एक लिया है पैकेट इंस्टेंट ईस्ट का, ये मिल जाता है आपको 25 to 30 रुपीज़ का, और ये मैंने पूरा ही इस्तेमाल किया क्योंकि जो आटा है वो मैं 3 कप इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया था इसके साथ ही 3 बड़े चम्मच जो मिल्क पाउडर होता है वो, और साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून लिया था ऑयल, जिसमें से 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे अभी और 1.5 बाद में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने अच्छे से मिक्स करना है ईस्ट को ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आटा लिया था जो कि है 3 कप, और फिर हमने इसकी एक डो सी सॉफ्ट सी डो लगा लेनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो, मीडियम सी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको गूंथते हुए आपको अगर पानी की ज़रूरत है तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसकी एक मीडियम सी डो लगा लें। अच्छा, जब आपने इसको इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद आपने जो 1.5 टेबल स्पून ऑयल का मैंने रखा था वो आपने इसमें डाला, यानी कि इस पूरी रेसिपी में 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा या घी, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लूँगी शेल्फ़ पे, और मैंने अच्छे से इसको ऐसे मलते हुए तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इसको इस तरीके से गूंदना है। इससे ये होता है कि अगर ईस्ट का कोई दाना रह गया है तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है, राइस बहुत अच्छे से होती है डो। तो ये देखिए इतनी अच्छे से जो है डो वो रेडी हो चुकी है, और मैं उसी बाउल में निकालूंगी इसे क्योंकि उसमें ऑयल लगा हुआ था। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर और लगाया है क्योंकि इससे ये होगा कि ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा आटा। और अब मैंने इसको शीट से या फिर आप किसी भी शॉपिंग बैग से कवर कर दें, और ये अब यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे में राइस हो चुकी थी डो। बाउल जो है थोड़ा बड़ा था इसलिए लग नहीं रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छे से जो था डो राइस हो गई थी। फिर से मैंने इसे पाउंच आउट किया था ताकि इसमें जितनी एयर है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने मोल्ड को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी कर लिया था, और ये मैंने डो है इसके बराबर से आपने इस तरह लंबाई में करना है, और उसके बाद आपने जितने आपको पेड़े चाहिए या जितने बड़े बन चाहिए आपने उतने इसके हिस्से कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने 3 कप आटे से 9 जो हैं बंस बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त बन ये बने थे। आप इजीली घर पे कुछ भी बेक कर सकते हैं, बेकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, जब ये मैंने पेड़े बना लिए तो फिर से मैंने इसे किसी शॉपर से कवर करके रख दिया था ताकि ये थोड़े से जो हैं फूल जाएँ। और इसके बाद मैंने 1 अदद अंडा लिया था जिसको मैंने इस पे थोड़ा सा फेंट कर ब्रश कर दिया था, कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आप दूध से भी इसको जो है कोट कर सकते हैं, कलर उससे भी अच्छा आएगा। सफ़ेद तिल लिए थे मैंने, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं ओके हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह मिल्क पाउडर का मैं कहूँगी कि अगर आपके पास वो है तो ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर दें। अच्छा जी, मैंने पतीले में इनको बेक किया था 20 to 25 मिनट्स में, इनका अच्छा सा कलर भी आ गया था और ये अच्छे से बेक हो चुके थे। देखिए कितने सॉफ्ट बने, कितने अच्छे से जो हैं ये बेक हो चुके हैं, और ये ठंडे हो चुके थे तब मैंने दिखाए, ठीक है। गरम गरम जो था वो ज़ाहरी बात है हाथ भी नहीं लगाया जाता, तो मैंने अच्छे से पहले इन्हें ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इसको डीमोल्ड किया। डीमोल्ड भी बहुत आराम से हो गए थे, इतने अच्छे बने हैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, उसने भलाई के साथ इन्हें बहुत शौक से खाया, और इतने ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि ये आटे से बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं, साफ़ सुथरे तरीके से बने हैं, यानी कि अगर आप खुद घर पे बेकिंग करते हैं तो वो हेल्दी भी होगी, सेफ़ भी होगी। मैं नाइफ की मदद से आपको कट भी करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्स्चर कैसा है। तो ये जी देखिए कटिंग से अंदाज़ा होगा कितना सॉफ्ट है ये, और ये देखिए जी अंदर से बन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।